खबर रीवा जिले से है, जहां वार्ड क्रमांक 34 के पूर्व पार्षद ने पत्रकार वार्ता कर अपने पूरे मामले को लेकर सच्चाई बताई। नए मामले का जिक्र करते हुए सैयद अफसर अली ने बताया कि उनकी भाभी जहदुनिसा द्वारा खरीदे गए घर का सामान नहीं दिया जा रहा है, जिसमें उनका सामान रखा हुआ है, जिसके संबंध में पुलिस को आवेदन दिया गया, लेकिन अभी तक सामान नहीं मिला। आपको यह भी बता दें कि ये वही अफसर अली हैं जो कि 1997 में दोहरे हत्याकांड व एक अर्ध हत्याकांड के मामले में 25 साल की सजा काट चुके हैं। हत्या के मामले में सजा काट चुके अफसर अली जेल से बाहर आने के बाद पुनः राजनीति करने की कोशिश में जुट गए। तो उधर विधायक सिद्धार्थ तिवारी द्वारा उठाए गए मजार के मुद्दे पर बयानबाजी की एवं स्थानीय विधायक का मामला बताकर उनको मामले में न पड़ने की बात कही। ढाई मर्डर के आरोप में जेल की सजा काट चुके अफसर अली ने राजनीति के सुर फिर से बोलने शुरू कर दिए। आपको सुनाते हैं पूरे मामले के संबंध में उन्होंने और क्या कहा है। पहले तो सबसे पहले हम आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करेंगे पत्रकार भाइयों के, जो आप लोग हमारी मदद करने के लिए आगे बढ़े। हम आपकी कलम की शपथ लेते हैं, क्योंकि कलम से हमेशा जिंदा रहती है, कलम की ताकत से कोई ताकत बड़ी नहीं। उस कलम की शपथ लेके हम ये कहते हैं कि जो भी हम कहेंगे सही, और आप लोगों से निवेदन करते हैं कि शासन को जो भी अवगत कराइए आपके जरिए अवगत हो वो सही। 17 तारीख को हम थाने गए थे सिटी कोतवाली, वहाँ पे मैंने आवेदन दिया कि मेरे फादर के घर में जो वर्तमान में जहदुनिसा थानेदार हैं 25 साल से यही हैं, उनके नाम हो गया, उनने हमारे अपने ससुर से खरीद लिया, तो हमने उनके नाम से आवेदन दिया कि हमारा जो सामान है वो दे दिया जाए। तो पुलिस वालों ने ये कहा कि आप सामान की लिस्ट दीजिए, तो हमने कहा कि हमारी माँ जिंदा है, उनकी याददाश्त सही है, तो जो वो बता देंगे वही हमारा सामान है। फिर इसके बाद उनने कहा ठीक है, आज तक अभी तक ना कोई मेरे पास पुलिस आई, ना मेरे पास कोई जांच आई, और यहाँ तक कि जहदुनिसा के भाई हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तुमको अजहर भाई के नाम बोल आवेदन देना चाहिए था। मैंने ये कहा कि जब अजहर भाई के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिस घर में हमारा सामान है उस जिसके नाम होगा हम उसके आवेदन देंगे। तो हमने उनके, और बस यही हमारा कहना है, आप लोग हमारी मदद करें और हमारा सामान दिलवा सकते हैं। प्रशासन से क्या चाहते हैं? हमारी मदद करें, हमारा सामान, क्योंकि हम 20 साल जेल काटे हैं, इस बात की मांग कर रहे हैं हमारा सामान दिलाया जाए ना। सामान में क्या क्या है? सामान में हमारी माँ बताएगी, वैसे हम भी बता सकते हैं, लेकिन हमारी माँ सही याददाश्त भी सही है, माँ हमारी सही बताएगी। अगर माँ ये कह देती है कोई सामान नहीं तो हम मान लेंगे कोई नहीं, लेकिन माँ मरते टाइम झूठ नहीं बोलती। ये आपके घर का मैटर है, तो इसमें प्रशासन की मदद किस तरह से आप चाह रहे हैं? प्रशासन की मदद ये चाह रहे हैं कि शासन आए, हमारा भी बयान ले, उनका भी ले और हमारा सामान दिला। बात आपने सिटी कोतवाली में आवेदन दिया जी, तब आवेदन आपने, ये हमने 17 तारीख को सर, आप 17 आज कितनी तारीख है? अभी आप जाने 23 है, तो 17 6 दिन हो गया जी, तो इसके बाद आप कहाँ जाएंगे आवेदन देंगे? अभी तो हमने आप लोगों के जरिए शासन प्रशासन की बात रखी है, आप लोग SP साहब को, कलेक्टर साहब को ये बात रखें, हमारा निराकरण करा दें, और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो हेल्पलाइन है जो इसमें जाएंगे, जो जैसा हो सकेगा वैसा करेंगे भाई। क्या लगता है वो मैडम जो पुलिस ने इसलिए दबाव बनाए हुए हैं, दबाव बनाए हुए हैं तो पुलिस के दबाव। और एक बात और है, जो हमारी जमीन भी की है उसमें भी जो गरीब आदमियों ने बेचारों ने पेड़ किसी तरीके पैसे जोड़ जोड़ के जमीन खरीदी, उसमें भी मुकदमा वो लगाए हुए हैं पुलिस के जरिए, क्योंकि उनके मैडम पुलिस में है, तो वो भी जितने घर खरीदे हैं सब बेचारे मुकदमा में पड़े। आपके जो भाभी हैं किस थाने में? ये क्या कहते हैं, हम थाना तो ना बता पाएंगे, यही नौकरी करती है जी भाई, और 25 साल से यही है। हाँ, सिविल लाइन में, पहले सिविल लाइन में बैठती थी, फिर इधर साइड पुलिस लाइन में भी बैठती थी। क्या नाम है? जहदुनिसा। हमारे बच्चे की शादी थी, हम गए क्या कहते हैं खजुराहो गए थे, खजुराहो के बाद वो है लौड़ी, वहाँ की हमारी बहू आई हुई है, तो हम जब शादी निपट गई, निपटने के बाद हमारे अच्छा अजहर भाई ने जब शादी की तो अपने बच्चे की बिटिया, अपने बच्चे में हमको हमारा ना नाम लिखा ना हमको कार्ड दिया, लेकिन जब हमने अपने बच्चे की शादी की तो अजहर भाई को कार्ड दिया, उनका भी नाम लिखा और सबसे पहले मम्मी को कार्ड दिया। ये लोग हमारे यहाँ आए भी नहीं। अब बताइए, एक लड़की जब सुहाग का कपड़ा पहन के आती है तो बाप का आंसू निकल जाता है, हमारे यहाँ वो बच्ची आके बिटिया कपड़ा उतार के काम करने लगी। हमको तो भी हम ये समाज सेवा करते रहेंगे। अभी अभी
माननीय जनार्दन मिश्रा जी ने ये कहा कि क्या कहते हैं, दादा नहीं दाऊ है, मोड़ न गए हैं दाऊ। कल तक तो ये भाषण बहुत अच्छा लगता था लोगों को, कल तक पूरे शहर में जुआ होता था तो बहुत अच्छा था लगता था। आज जनार्दन सांसद जी ने ये कह दिया तो कौन सा गलत कह दिया। आप क्या कहते हैं, बैकुंठपुर कांड ले लीजिए, ठाकुरों का कत्ल हुआ, इनने 19 ठाकुरों को फंसाया बेगुनाह। हम लोगों का ले लीजिए 97 में, आप लोगों जो अगर जानते होंगे, आप पत्रकार हैं, आत्मा से आप अपने आत्मा और अपने कलम से आप सही बताइए ना कि अगर ऐसा नहीं होता रहे। थाने में सिर्फ 4 पुलिस वाले TI का काम करते थे, सब कुछ करते थे, तब तो बुरा नहीं लगा लोगों को। आज अगर जनार्दन भैया ने, सांसद जी ने हमारे ऐसा कह दिया तो बुरा कह दिया, उन्हीं का अल्फाज ना कहा, कोई उन्हें। और फिर दूसरी चीज आप लीजिए, हमारे शुक्ला जी आज 3-4 वर्ष विधायक हैं, हमारे सांसद जी भी हैं, कभी उनने बाबा के मजार और मंदिर की बात नहीं की। आप मनगमा के हैं, वहां की बात करें, यहाँ की मंदिर मस्जिद की तो हमारे विधायक जी जाने, मतलब आप हमारे रीवा को वातावरण प्रदूषित करना चाहते हैं। वो तो भाग सक लो कि आप BJP में चले गए, नहीं तो आपको हल्दी नहीं लगती। आपने तो ब्राह्मण कुल को बर्बाद कर दिया। अगर चाहिए आप रामायण उठा के, अगर देखिए रामायण जब तक ब्राह्मण रहेगा, जब तक रामायण रहेगी जब तक ब्राह्मण का सम्मान होगा, रामायण से जुड़ा हुआ ब्राह्मण है, लेकिन इनके जैसे ब्राह्मणों का सम्मान नहीं होगा। और ये पुलिस में है, ये काफी दबाव बनाए हुए हैं, हमको भी कहती है कि हम तुमको 302 फंसा देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, काफी ज्यादा हमको भी टार्चर कर रही है। हम शासन से ये नियम करेंगे कि ऐसे लोगों को यहाँ नहीं रखना चाहिए। आज 30 साल से जब लोकल है वो यहाँ क्यों रह रही है, भाभी हैं, जैदुनी सलाम है, निवास वही हमारे पिताजी के, अपने ससुराल में सैयद मुश्ताक अली, उन्हें उनकी प्रॉपर्टी उनने खरीद भी लिया है, ससुर से उनने प्रॉपर्टी खरीद ली अपने नाम। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT, फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हेल्पलाइन नंबर 90 74 51 46 14।